हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का एसएससी बोर्ड का थर्ड चैप्टर, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के एसएससी बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक बार ध्यान में रखना। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक के लास्ट प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स में आए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके आपको पूरे सॉल्व करके उसके आंसर सब सब कुछ यहाँ पे देने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, जो भी है वो समझ लो। वो होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम्स में आए, वो सारे हम लोग लिख के विथ आंसर सारे वो चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बनती कैसे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसको बोला जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, केमिकल रिएक्शन ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन आप लोगों की बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड होते हैं। जैसे कि क्या, तो आप लोग के बॉडी में जानते हो, आप लोग स्टमक में एसिडिटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होता है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को क्या हुआ, एसिडिटी हुई है, ठीक है। और हम लोग एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जेलोसिल या फिर वो जो पिंक कलर की जो मेडिसिन आती है, वो जो गोली आती है, वो भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, जो हम लोग के स्टमक में एसिड है, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव ना हो, क्योंकि अगर एसिडिटी बने तो आप अगर एसिडिटी आप लोगों के बॉडी में बढ़ रही है तो आप लोग जानते हो वोमिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को होती है, ठीक है। तो वो मेंटेन करने के लिए, स्टमक में की एसिडिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो मेनली हम लोग एक मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। और वो मेडिसिन कौन से फॉर्म में रहती है, बेस, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या, हम लोग के स्टमक में एसिड प्लस बेस, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के जो स्टमक में एसिडिटी है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। नहीं तो एसिडिटी हम लोगों के क्या है, एक तो ओमिट करके भी वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऑकर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली होते किस वजह से, क्या है वो सारी चीज़ें, और बाकी भी केमिकल रिएक्शन होते किस वजह से, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9th में एसिड बेस और सॉल्ट के सफर में न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस देखी है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एसिड प्लस बेस क्या देता है आप लोगों को, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा है। क्या होता है, एसिड प्लस बेस हम लोगों को क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब एसिड और बेस तो हम लोग कंसिडर करते हैं, एसिड के तौर पर लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, और बेस के तौर पे लेते हैं NaOH, ठीक है। अब HCl एंड NaOH आप लोगों ने रिएक्शन याद भी की होंगी, तो यहाँ पे बनता है NaCl प्लस H2O, क्या मिलता है आप लोगों को, NaCl एंड H2O। तो आप लोग इस रिएक्शन में देखोगे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, Na है, OH है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या ऑकर्ड हुआ है, रीअरेंजमेंट। अब देखो भाई, रीअरेंजमेंट किस वजह से, सो Na है यहाँ पे, ठीक है। Na ने किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, Cl के साथ, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि जो रिएक्टेंट स्पेसेस होती है, रिएक्टेंट हमेशा कहाँ पे रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। हमेशा ध्यान में रखना कि रिएक्टेंट स्पेसेस ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट स्पेसेस इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। और जो रिएक्टेंट रहेगा वो कौन से साइड प्रेजेंट रहेगा, रिएक्टेंट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि वहां से क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। सिंपल, रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग कंसीडर होंगे केमिकल रिएक्शन कैसे, ठीक है, चलो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोई भी एक सब्सटेंसेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को बनाना है कलाकंद, या फिर क्या करना है, हम लोगों को पनीर चाहिए, ठीक है। पनीर अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दूध में क्या करेंगे, कोई भी लेमन जूस क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे, ठीक है। वो होने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा,
कम्प्लीटली वहाँ पे पानी अलग हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, गड़े गड़े जैसे या फिर प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं उसको, क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगे वहाँ पे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। आप लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था, मिल्क लिया था और क्या लिया था, कोई भी जूस, ठीक है, लेमन जूस ले लो या फिर कोई भी अपना नींबू भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लिया और एक दूसरे के साथ क्या किया, मिक्स किया। अब वो मिक्स करने के बाद वहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, प्रोडक्ट अलग मिला। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल आप लोग ले रहे हो उसी को ही क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, ठीक है। जब रिएक्शन को ऑकर्ड करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और वो ऑलवेज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में, कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और जो फॉर्म होता है, वो जो दो रिएक्टेंट लिए या फिर वो जो दो सब्सटेंसेस लिए उसको मिक्स करने के बाद जो फॉर्म होता है वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। और वो हमेशा कौन से साइड पे रहेगा, आप लोग के राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो रिएक्टेंट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, ये हमेशा बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, रिएक्टेंट जो है वो क्या करते हैं, अपने जो ओल्ड बॉन्ड है वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे HCl का बॉन्ड था और यहाँ पे NaOH का था ऐसा, तो उन्होंने क्या किया, ये वाले दोनों बॉन्ड क्या किए, ब्रेक किए। रिएक्टेंट स्पेसिस में हमेशा ध्यान में रखना, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो क्या रहते हैं, ब्रेक होते हैं, और उसके ब्रेकिंग के थ्रू क्या होता है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो ऑकर्ड हो गई, लेकिन हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या, आपको एक बात तो समझ में आ गई होंगी कि रिएक्टेंट के मिक्सअप होने के बाद कुछ तो भी नया प्रोडक्ट मिलता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर द फॉर्म। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या है, न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टी के साथ क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे NaCl बना, एसिड है, बेस है, ओल्ड प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी क्या बनी, सॉल्ट, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंसेस के साथ किसका फॉर्मेशन होगा, न्यू प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। और हमेशा ध्यान में रखना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट, जो एटम रहेगा वन एलिमेंट का, नॉट चेंजेस इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट, जो एटम रहेगा वन एलिमेंट का वो चेंज नहीं होगा दूसरे एलिमेंट में, ठीक है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम टेक्स प्लेस। जैसे कि यहाँ पे देखो एच है, चेंज हुआ कि यहाँ पे एच डिफरेंट, कोई दूसरा है कि यहाँ पे OH बना एच से, नहीं, एलिमेंट जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ चेंजेस किस में होंगे, रीअरेंजमेंट में। यहाँ पे क्या हुए, रीअरेंजमेंट, तो एच प्लस ओ एच, एच और ओ एच क्या हुए, कंबाइन होते हैं, यहाँ पे क्या बना एच टू, सिर्फ और सिर्फ क्या ऑकर्ड हुआ है यहाँ पे, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट बना वो सिर्फ ऑकर्ड होगा, ना कि कोई एलिमेंट एक्सचेंज होगा, ठीक है, या फिर कोई एलिमेंट चेंज भी नहीं होगा वहाँ पे, एलिमेंट एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑकर्ड होगी, उसी को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन, उसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो मेन है, एक है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट मतलब क्या, तो हमेशा रिएक्टेंट के कौन से साइड पे प्रेजेंट रहेगा, आप लोग जानते हैं वो हमेशा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंसेस जो कि क्या कर रहा है, टेक पार्ट हो रहा, मतलब वो इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, केमिकल रिएक्शन में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, उसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। And the substances, the new substances produces as a result of the chemical reaction, जो new substances form हो रहा है, ये new substances form हुआ उसको क्या बोला जाएगा, product, और इसको क्या बोला जाता है हमेशा, reactant, ठीक है। तो reactant are always present on the left hand side and the product are always present on the right hand side, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं chemical reaction क्या है, chemical reaction में क्या होता है, new substances का formation होता है, new प्रॉपर्टीज वो शो करता है, उसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एलिमेंट चेंज होते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे जो एच था वो चेंज हुआ क्या, नहीं, एच तो एज इट इज जैसा वैसा, सिर्फ उसने क्या किया, OH के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑकर होती है केमिकल रिएक्शन में, ना कि वो बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो HCl है यहाँ पे क्या हुआ, ओल्ड जो बॉन्ड है वो क्या हुआ, ब्रेक हुए और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उसी को क्या बोला जाएगा, जहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में दो मेन चीजें रहती है, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा रहता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। और रिएक्टेंट क्या रहता है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस है
जो कि क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा, इन्वॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन में, उसको बोला जाता है रिएक्टर। और जो ओल्ड सब्सटेंसेस रहेगा जो कि क्या कर ओल्ड सब्सटेंसेस जो दो रिएक्टर्स में जिसके कॉम्बिनेशन होने के बाद जो बनेगा उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक के ये तो था बेसिक कम्प्लीटली। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है।